तो यहाँ जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये सैमसंग की पीसीबी है, और इसके अंदर फेलियर है। तो क्या फेलियर है, सबसे पहले मैं फटाफट इसका कनेक्शन लगा लेता हूँ और सब करके रेडी करके चालू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं इसके, मैं पावर ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पावर ऑन हो गया है, और मैं फिर इसे बंद करता हूँ, ठीक है, और फिर एक बार ऑन करता हूँ। तो इस तरह से सारे फंक्शन तो दिख रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, कोई लाइट नहीं जल रही है। तो चलिए मैं फटाफट खोल लेता हूँ इसे, और फिर उसे दिखाते हुए मैं आपसे बात करूँगा। तो जिस तरह से सैमसंग में 13 बटन की जो पीसीबी होती है, 13 बटन की, तो उसमें अगर जो 100 की फ्रीक्वेंसी नहीं पास होती है तो वो टिंग टिंग की आवाज़ करती है, उसका स्विच काम नहीं करता है, स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे 100 फेल होने से इसमें सब प्रोग्राम होगा लेकिन कोई रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस रिले से यहाँ से पास कराई जाती है, तो 100 के की दो रजिस्टर रहती है, एक 100 के की ये है और फिर यहीं से ये है। तो ये दोनों रजिस्टेंस में से अगर कोई फेल हो जाएगी तब भी ऐसा होगा, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, अगर ये फेल होगा तब भी होगा। तो इसके अंदर है, अभी इसे कूरेद नहीं सकती, यही एक खासियत है कि वॉशिंग मशीन के पीसीबी में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक एक पार्ट का ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं वॉशिंग मशीन का आप लोग के सामने इसे भी चालू करूँगा, तो अलग अलग बिल्कुल क्लीन करके पीसीबी रखूँगा और उसी पे मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को। और मीटर हमारा आज यहाँ पे है, तो आप देखिए कि इसमें क्या आ रहा है, कुछ नहीं कनेक्ट हो रहा है। और यहीं पे मैं दूसरे वाले को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए तो 100 किलो ओम की लगभग 99.6 है, तो ये लगभग 100 के की है। तो हमें ये 100 के की ये वाली रेजिस्टेंस बदलेंगे और इसके बाद देखेंगे। तो मैं ऊपर से ही लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसको सामने की तरफ से मैं कुरेदने वाला नहीं हूँ, मैं बाहर से ही 100 के लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 47 की है, ठीक है, 47 की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 47 की है। तो मैं यही लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास 100 की नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके वजह से और ये बाकी जो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा उसके हिसाब से अभी कोई इशू नहीं है, तो इतना चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, ठीक है। आप अभी सोचेंगे कि हमारी वीडियो में ये ऐसी इस तरह से फिर मैं वीडियो क्यों बनाने लगा, तो ये ऐसे ही बनेगी वीडियो, क्योंकि काम करते समय तुरंत मोबाइल से शूट करूँगा और ये इस तरह से रहेगी। लेकिन आप लोग को पढ़ाने वाला जो बेसिक का है, जो कि पेड मेंबरों की है, उसको मुझे विस्तार से ही करना पड़ेगा, इसमें मैं विस्तार से नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए एक बार मैं इसे आपको दिखा देता हूँ कि अभी आप देखिए, ठीक है, और मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे और साथ में अभी ऊपर देखिए तो मोटर भी रन करने लगी, ठीक है। तो इस तरह से है, यहाँ पे अगर जो 100 की फ्रीक्वेंसी नहीं जाती है तो ये होने लगेगा, और इनलेट वाल से पानी लेने की कोशिश है, तो यहाँ पे मैं प्रेशर दे करके और इनलेट को बंद करता हूँ। बंद हो गया, अब इसे चलना चाहिए मोटर को, ड्रेन का पानी ज़्यादा हो गया, मतलब ड्रेन करने लगी, तो अभी आप देख रहे हैं कि फिर चलना शुरू कर दी। तो ये चीज़ है, छोटी छोटी सी जानकारी रहती है लेकिन सटीक वो बैठती है उसी जगह पे। और ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो इससे अंदर की जानकारी मिलेगी, और ऐसे सिर्फ ट्रिप मिलेगी आपको,
तो ऐसे अगर कर सकते हैं तो आप ऐसे ही काम चलाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।